हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। कढ़ाई में मैंने 8 कप पानी डालकर गर्म होने के लिए रखा है, तो आप देख सकते हैं पानी भी गर्म होने लगा है। अब मैंने ये मेजरिंग कप से 1 कप सूजी ली है, तो सूजी को हम कढ़ाई में डालेंगे। इसे मिक्स करते जाएंगे। पूरी सूजी मैंने कढ़ाई में डाल दी है और इसे हमें मिक्स करना है। अब इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है और इसे हमें कंटिन्यू चलाना होगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ने लगेंगी। 8 से 10 मिनट तक इसे हम पकाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसे गाढ़ा होने तक पका लिया है। इसे पकाने में मुझे 8 से 10 मिनट का समय लगा है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक ध्यान से ही डालें, क्योंकि जब पापड़ सूखते हैं तो पापड़ में नमक का टेस्ट तेज हो जाता है। आधा चम्मच डालेंगे जीरा, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स डालना ऑप्शनल है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें आप चाहें तो मीठा सोडा भी डाल सकते हैं और सोडे के बिना भी बना सकते हैं। मैं सोडा स्किप कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जो सूजी है वो गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और हम इसके पापड़ बना लेते हैं। मैंने ये एक प्लास्टिक शीट बिछाई है, तो शीट को मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। हमने जो बैटर तैयार किया है उससे हम पापड़ बना लेते हैं। तो 1-1 चम्मच के समथिंग हम बैटर को शीट पर डाल देंगे। इसे ज़्यादा फैलाना नहीं है। शीट पर बैटर डालते जाएंगे और इसके पापड़ बना लेंगे। पापड़ों को हम 1 दिन की पूरी धूप में सुखाएंगे। तो आप देख सकते हैं बैटर डालते से ही पापड़ अपने प्रॉपर शेप में आ रहे हैं। इसे मुझे ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर पापड़ बनाते बनाते बैटर गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला सकते हैं। पूरे बैटर से मैंने पापड़ फैला दिए हैं। अब इन्हें हम धूप में सूखने के लिए छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 कप सूजी से ढेरों पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। तो धूप में नहीं, मैंने सुखा लिया है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है। तेल भी गर्म हो गया है। अब हमने जो पापड़ रेडी किए हैं उन्हें हम कढ़ाई में डालेंगे। तो आप इस तरह से सूजी के पापड़ बनाकर देखें। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।